ओम शांति आज की तारीख है इकतीस आठ तेईस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बाप दादा कहते हैं अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है और बनी बनाई बन रही प्रश्न है तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो उत्तर है माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर न करो इससे तुम्हारी अवस्था अचल और अडोल हो जाएगी स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीबी मरे तो भी हलवा खाना गीत बजा है ही हो माता पिता ही हो ही हो बंधु सखा ही हो धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य नंबर एक बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट को रख नष्टो मोहा बनना है इस कब्रिस्तान को भूलकर बाप को याद करना है रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है नंबर दो खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है अमृत वेले का समय अच्छा है इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है मुरली पाँच छः बार सुननी व पढ़नी जरूर है सुना सभी ने ध्यान से वरदान सतगुरु बाबा शिव पिता परमात्मा का अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य जीवन इस अलौकिक जीवन की सिमरती से वह अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से चाल चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा क्योंकि जैसी वृत्ति और स्मृति होती है वैसी ही स्थिति होती है स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी इसीलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा स्लोगन स्व-उन्नति का स्व-उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषता ही दिखाई देंगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम Shanti。Sh